बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुज़ुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये सुज़ुकी स्प्लेंडर, इनका पुराना मॉडल है। तो आज मैं आपको इसका ये किक स्प्लेंडर डालने का तरीका बताऊँगा, इसका ये किक स्प्लेंडर कैसे डालते हैं। तो इसका जो किक स्पिंडल है, ये जैसे 70 बाइक है उसका, तो आप ये किक स्पिंडल टूट जाए तो वेल्डिंग हो सकता है। इसका किक स्पिंडल वेल्डिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लोहा होता है। तो इसलिए इसके लिए जो है ना, हमें इसका इंजन खोलना पड़ेगा, इसका पूरा किक स्पिंडल डालना पड़ेगा। तो वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि आज इसकी किक की टाइमिंग कैसे की जाती है, कि इसकी किक के स्प्रिंग की टाइमिंग कैसे होती है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब हम सबसे पहले तो इसका सेंसर खोलेंगे, उसके बाद इसका ये हेड सिलेंडर खुलेगा, इसका ये क्लच साइड जो है इस अपना स्पिंडल के लिए नहीं खोलनी पड़ती। तो अब हम चलते हैं अपनी बाकी वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, एक ब्रेक पेशकश की मदद से आप सबसे पहले इसकी केम को बाहर निकाल लें और 12-13 के पाने की मदद से आप इसके हेड को खोल लें। हेड को खोलने के बाद एक पेचकस की मदद से आप इसके हेड को बाहर निकाल लें और उसके बाद दोस्तों आप 8 नंबर की टी की मदद से इसके सिलेंडर को भी खोल लें और एक पेचकस की मदद से इसके सिलेंडर को भी आप ऊपर उठा लें। 8 नंबर की टी की मदद से आप इसके मैग्नेट के पेचों को खोल लें। मैग्नेट के पेचों को खोलने के बाद दोस्तों आप एक स्पेशल टूल की मदद से इसके मैग्नेट को खोल लें। जी दोस्तों, ये यू पुलर अक्सर 70s में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक स्पेशल टूल की मदद से आप इसके मैग्नेट को बाहर निकाल लें। रैंच और 18-19 के पाने की मदद से आपका मैग्नेट जो है वो खुल जाएगा। तो जी दोस्तों, मैग्नेट को खोलने के बाद आप इसकी इस काटर को भी बाहर निकाल लें, क्योंकि अक्सर औकात इसकी ये काटर जो है वो गुम हो जाती है। इस काटर को आप एहतियात से मैग्नेट में लगा दें। इसके बाद आप इसके ऑयल फिल्टर के पेचों को खोल लें, क्योंकि इंजन का एक पेच इस ऑयल फिल्टर के पीछे भी लगा होता है। और एक ब्रेक पेचकस की मदद से आप इसका फिल्टर बाहर निकाल लें। इसके फिल्टर को बाहर निकालने के बाद दोस्तों, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये एक ब्रेक पेच है 8 नंबर का, जो इसके फिल्टर के पीछे होता है। तो जी दोस्तों, इस पेच को भी आपने लाजमी खोलना है। उसके बाद दोस्तों आप इसके ब्रेक बिट की मदद से इसके गेज इंडिकेशन के पेचों को खोल लें और 14 नंबर की चाबी की मदद से आप इसके इंजन के मेन पेचों को खोल लें। इन पेचों को लूज करने के बाद आपका इंजन नीचे आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर की टी की मदद से आप इसके इंजन के पेचों को खोल लें। याद रखें दोस्तों, जो पेच जिस जगह से खुले उस जगह पर लगाएं और एक स्पेशल टूल की मदद से आप इसके इंजन के पल्लों को ओपन कर लें। तो जी दोस्तों, 17 नंबर की चाबी की मदद से हम इस पुलर को घुमाएंगे और हमारा इंजन के पल्ले जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं इसका किक स्पिंडल जो है वो बाहर आ चुका है और इसका टूटा हुआ स्पिंडल मैं आपको दिखा सकता। तो जी दोस्तों, अब ये हमारा जो है किक स्पिंडल जो है मैंने खोल लिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये आगे से टूट चुका है, तो ये लोकल किक स्पिंडल था जो आगे से बिल्कुल टूट चुका है। तो अब इसमें मैं ये किक स्पिंडल डालूंगा। ये किक स्पिंडल काबली किक स्पिंडल है, जर्मन किक स्पिंडल, इसका काफ़ी महंगा है। स्पिंडल गाड़ी क्योंकि अब बंद हो चुकी है, तो इसका ये मैं लाहौर में एक मार्केट है बिलालगंज, ये उस उधर से मैं ये स्पिंडल लेके आया हूँ। जो ये मुझे 1200 रुपये का ये स्पिंडल मिला है,
तो ये स्पिंडल मैं अब इसमें डालूंगा, और आज मैं आपको इसके किक स्पिंडल की टाइमिंग भी बताऊंगा कि इसकी किक के स्प्रिंग की क्या टाइमिंग होती है, और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि इसको आप कैसे वर्क कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग कैसे कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आप इसके ऊपर निशान देख रहे हैं, ये डाउट था दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी ये वॉशर आएगी, और उसके बाद इसका किक का स्प्रिंग आएगा। इसके किक के स्प्रिंग को आप ये लगाने के बाद इसके ऊपर आप ये वॉशर को लगा लें। इसको आपने कोशिश करना है कि सीधा ही इसको लगाना है, ये टेढ़ी। दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये अब हमारी वॉशर जो है इसके अंदर बैठ चुकी हुई है। अब तो जी दोस्तों, ये निशान मैंने अब आपको जो दिखाया है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसकी फिटिंग कैसे की जाती है इसके स्प्रिंग की। तो सबसे पहले तो आप इसके इस स्प्रिंग को बिठा लें, और ये कोशिश करें कि इसका ये स्प्रिंग आपका जो है बिल्कुल इसके बराबर बैठा हो। और इसके बाद हमारा ये स्प्रिंग आएगा, इसके बाद हमारा ये स्प्रिंग आएगा, और इसके बाद हमारी ये, और जैसा निशान आपको मैंने इसके स्पिंडल के ऊपर दिखाया था, ऐसा निशान इस गरारी के ऊपर भी है। ये आप अगर गौर से देखें तो आप इसको जो है इस गरारी के निशान को इस ये देखें दोस्तों, ये निशान हमारा नज़र आ रहा था, और इस निशान को हम इसके बीच में लगा देंगे। और एक इसकी ये भी निशानी होती है कि इसका ये जो गरारी की सपोर्ट है, ये इसके बिल्कुल ये पिन सी जो गरारी की, ये बिल्कुल इसके सामने आ जाती है। तो जी दोस्तों, एक ये किक की मदद से आप इसकी टाइमिंग को ओके कर लें। ये थोड़ा सा इसको मैंने उठा के बेसिक इसके स्प्रिंग को जो है वो मैंने ये तार दे दिया। अब इसकी ये किक की टाइमिंग बैठ चुकी है, तो इसके बाद आप इसकी जो ऊपर वाली गरारी लगा लें, और इसके ऊपर एक वाशर भी आती है, वाशर लगा लें। तो अब ये हमारी जो है किक की टाइमिंग हो चुकी है, तो अब इसको हम मैजिक लगा के, सॉरी सिलिकॉन इसके इन पलों को लगाएंगे, और ये गाड़ी को बंद करेंगे, और इसके किक की टाइमिंग आपको तब चला मार के दिखाऊंगा किक सही लग रही है कि नहीं लग रही। चलो जी दोस्तों, अब मैंने इस गाड़ी के जो है पल्ले बंद कर दिए हैं, तो आप इसकी बाहर लगा के किक की टाइमिंग लाजमी चेक कर लें कि किक आपकी जो है किक के स्प्रिंग की टाइमिंग बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो ये देखें दोस्तों आप इस, तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ भी मानेगा। ठीक है, हो गया।